हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय न्यू वीडियो। तो भाई ये है अपनी स्कूटी की हेडलाइट, जो कि भाई काफ़ी बंदे कमेंट कर रहे थे भाई कैसे किया, पूरी वीडियो लाओ। तो भाई फाइनली पूरी वीडियो लेके आ चुका हूँ। वैसे तो ये मैंने फिट कर दिया है, एक दिक्कत इसमें आ गई थी। ये दो तो मेन हेडलाइट है और साइड में मिनी ड्राइव लगाई है, एक साइड की मिनी ड्राइव खुल गई है तो जिसके कारण मेरे को फिर से खोलना पड़ा। तो सोचा इस पर वीडियो भी बना लेते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं इसको खोलूंगा, उसके बाद जैसे स्टॉक में आता है वैसे करूंगा, उसके बाद आपको पूरी इंस्टॉलेशन बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको स्कूटी से कैसे खोलना है उसकी वीडियो तो मैं नहीं बना पाया। आप किसी मिस्त्री के पास जाके इसको खुलवा सकते हैं, इसको खोलना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 4-5 नट होते हैं, ये कुछ स्क्रू है जो इससे खुले हैं, ये दो लॉक हैं, ये इधर नीचे लगे होते हैं यहाँ पर, और ये दो नट हैं ये यहाँ पर लगे होते हैं। और बाकी ये तो स्कूटी का जो पैनल होता है उससे लगे होते हैं, और ये इंडिकेटर है जो इसके साथ अटैच होते हैं। तो इंडिकेटर इस तरीके से अटैच होते हैं, दोनों साथ में होते हैं। तो एक स्क्रू यहाँ पे लगता है, एक स्क्रू आपको यहाँ से खोलना पड़ेगा, ये वाला जो लगा हुआ है ये वाला स्क्रू खोलना पड़ेगा। ये वाला स्क्रू तो भाई पूरा यूनिट निकाल लेंगे उसके बाद ही खुलता है, तो ये पूरा सेट निकालना पड़ता है, एक ही बार में निकलेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से इसको, ये बाहर वाले गिलास को निकालते हैं अलग। तो इसको निकालने के लिए भाई यहाँ पे साइड साइड में ग्लू होता है, अंदर से सिलिकॉन ग्लू होता है जो कि हीट करने से वो लूज़ हो जाता है, फिर इसको हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं हेयर ड्रायर का यूज़ करूँगा। वैसे अगर आपके पास हॉट गन है तो उससे बहुत जल्दी हो जाएगा काम, हेयर ड्रायर से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलो जल्दी से अब इसको खोलते हैं। तो भाई सबसे पहले तो इसको चारों साइड से अच्छे से गर्म कर लेंगे, लगभग 5-10 मिनट, ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको बाहर को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले गर्म कर लेते हैं। तो भाई ये गिलास हो चुका है अलग, तो इस पर अगर साइड में इस तरीके से आती है हेडलाइट। अब ये जो ऊपर पाँच है, तो इस पांच स्क्रू को खोल के ये वाला कवर बाहर आ जाएगा। तो भाई इस लाइट की वजह से मेरे को पूरा खोलना पड़ा, ये यहाँ पर लगी हुई थी इस तरीके से यहाँ पर। तो चलो इसको सब कुछ निकाल देता हूँ, उसके बाद जैसे स्टॉक था उस तरीके से लगा के आपको शुरू से समझाता हूँ कि कैसे कैसे मैंने किया है। तो सब कुछ यहाँ पे निकाल दिया है ये सब कुछ। तो भाई कंपनी की लाइट कुछ इस तरीके से होती है, ये जैसे मैं निकालूँ, उसके बाद ये रिफ्लेक्टर्स होते हैं और यहाँ पर LED लगी होती है छोटी छोटी सी, ये वाइट वाली LED, यही 4 LED होती है। भाई इसको निकालने के लिए यहाँ पर 2 स्क्रू हैं, एक ये है और एक ये है, और पीछे यहाँ पर एडजस्टमेंट होता है। जैसे हम यहाँ वाले नट को लूज़ करेंगे तो ये वाले रिफ्लेक्टर थोड़ा ऊपर को आ जाएगा, और टाइट करेंगे तो ये नीचे को झुक जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं स्टॉक लाइट को। तो इसको निकालते हैं पहले। तो ये नेटवर्क खुल चुका है। तो ये रिफ्लेक्टर्स स्टार्टिंग में तो बाहर नहीं आएंगे, मेरा तो बाहर आ गया क्योंकि मैंने यहाँ से वायर कट कर दी है, क्योंकि मैंने सोचा था भाई इन सब की वायरिंग अंदर ही रखूँगा और यहाँ से कपलर टू कपलर कनेक्शन करूँगा, पर वैसा नहीं हो पाया। तो जैसे आप स्टॉक का निकाल लेंगे तो ये कपलर यहाँ पर कपलर फिक्स होगा, जैसे हम इंडिकेटर के बल्ब खोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज खोल के, तो उस तरीके से वो कपलर बाहर निकल जाएगा, उसके बाद ये रिफ्लेक्टर्स बाहर आ जाएंगे। अब आते हैं भाई मेन वारी। सबसे पहले बात करते हैं इन प्रोजेक्टर्स की। तो ये है भाई जो गाड़ी के बम्पर में लगते हैं नीचे फॉग लाइट, तो ये वो वाले हैं, ये मैंने सेकेंड हैंड लाए थे, बंदे पास ख़राब पड़ी हुई थी जिसकी, ये वाइट लाइट तो ठीक थी मेन लाइट, इसकी रिंग खराब थी तो उसने वैसे रखी हुई थी, मैंने मांगी तो उसने ऐसे दे दी। उसके बाद मैंने अंदर यहाँ पे रेड स्ट्रिप लाइट लगाई है इसको पूरा खोल के, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, वो आप जाके देख सकते हो इसको पूरा कैसे बनाया है मैंने डायमंड आई।
तो भाई यही तो मेन है इस लाइट की। और भाई ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, ये मैंने 1000 रुपए के ऑनलाइन मंगाए थे ईट्रॉन टर्बो के। तो भाई इसकी रिस्पांस तो काफ़ी सही है। HJG के भी मंगा सकता था, पर लेकिन उस टाइम मेरे पास उतना बजट नहीं था। मैं सोच रहा जितने सस्ते में हो सके और बढ़िया में हो सके, तो मेरे को यही लगा बढ़िया। तो अब इसको फिट करते हैं, कैसे कैसे करना है। तो फिट करने के लिए भाई पहले तो ये मेन यूनिट थी जो लो बीम पे आएगी मेरी और डायमंड आई का काम करेगी। तो इसकी वायरिंग वगैरह तो मैं लास्ट में समझा दूंगा आपको। तो ये जो क्लैंप है ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, ये पट्टी जो मैंने बीच में लगाई है ये पहले से पड़ी हुई थी मेरे प्रोजेक्टर की, पुराने प्रोजेक्टर की, जैसे कि ये है इसकी पट्टी है। तो इसी की पट्टी मैंने यहाँ पर यूज़ की है। तो एक स्क्रू यहाँ पर लगी है, एक यहाँ पर लगी है, तो एक नट यहाँ पर लग जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने होल किया हुआ है एक, तो ये इस तरीके से इस होल में ऐसे लगेगा। फिर बाकी अलाइनमेंट वगैरह तो लास्ट में करूँगा, तो पहले इसको लगा लेता हूँ। जो मैं सारी वायरिंग है वो मैंने यहीं से निकालनी है, जो मेन वायर है जहाँ से पहले आई थी। तो यहाँ पर मेरे पास 14 नंबर का एक नट, जो कि मैं अंदर से नट लगाऊंगा, अगर बाहर से लगाऊंगा तो अंदर दिखेगा, तो मैं अंदर से लगाऊंगा और बाहर से टाइट कर दूंगा। तो भाई मेन यूनिट जो लो बीम के लिए वो फिट हो चुकी है। अब मेन दिक्कत तो भाई उस टाइम यहाँ पे आ रही थी, अब स्पेस तो यहाँ पे बहुत कम बचा है। तो भाई मिनी ट्रैप लगाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि स्पेस बहुत कम था। और मेन भाई ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाई बीम के लिए यही है मेन। तो स्पेस तो यहाँ पे भी है, लग रहा है काफ़ी है। जैसे मैं ये वाला लगा रहा था फिर स्पेस सिर्फ इतना सा बच रहा था, पर देख लो इतना सा स्पेस है तो इतने, और मिनी ट्रैप भी इतनी है भाई। तो भाई पूरा प्रॉपर स्पेस था। तो ये वायरिंग वगैरह इसको भी इग्नोर करना, ये सब गायब हो जाएंगे। तो यहीं पे भाई मेन दिक्कत आ रही थी, तो फिर मैंने ये वाली पत्ती बनाई। ये भी वही है भाई, ये जो यहाँ पे लगी है, जो यहाँ पे लगी है ये वाली, ऐसी ही पत्ती मैंने बीच से कट की है और ये टेढ़ी मेढ़ी करके बनाई है भाई। तो ये यहाँ पर इस तरीके से लगेगी, तब जाके ये फिट आएगा भाई। फिर इसके ऊपर प्रोजेक्टर, यहाँ पर प्रोजेक्टर लगेगा इस होल पे, यहाँ पे दूसरा भी सेम यही है। तो जल्दी से अब प्रोजेक्टर लगाते हैं। और प्रोजेक्टर की बात करें तो भाई इसके साथ एक मॉड्यूल भी आता है जो कि ये लगे हुए हैं हेडलाइट के पीछे। तो मॉड्यूल तो इनके साथ पूरा कनेक्ट था, तो मैंने यहाँ से कट किया क्योंकि मॉड्यूल यहाँ से पास नहीं हो पाता, तो मैंने यहाँ से कट किया इसको। फिर बाहर कनेक्ट कर लेंगे मॉड्यूल के साथ इसको, भाई मॉड्यूल बोलो, रिले बोलो, जो भी बोलो, एक ही बात है। तो अब जल्दी से इस प्रोजेक्टर को फिट करते हैं। तो ये इस तरीके से भाई आएगा। तो एक बार इसको मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो भाई यहाँ पे मैं आपको छोटी सी टेस्टिंग करा देता हूँ कि ये किस किस तरीके से जल सकती है। तो भाई सबसे पहले तो जैसे मैं स्कूटी ऑन करूँगा तो सबसे पहले जलेगी डायमंड आई, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद जैसे मैं लो बीम वाला स्विच ऑन करूँगा तो लो बीम जलेगी इस तरीके से। तो जैसे मैं हाई बीम पे स्विच करूँगा तो ये जलेगी इस तरीके से। और अगर मैं हाई बीम पे येलो रख लेता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, तो येलो इस तरीके से जलेगी। और डायमंड आई प्लस येलो, फिर डायमंड आई प्लस वाइट, तो ये वाला भाई कॉम्बिनेशन काफी तगड़ा लग रहा है। ओनली डायमंड आई, मैं ओनली वाइट येलो पे भी चला सकता हूँ, ओनली हाई बीम पे भी चला सकता हूँ, ओनली लो बीम पे तो चला ही सकता हूँ। तो भाई ये हर तरीके से इस लाइट को चला सकता हूँ मैं। यहाँ पे सब चीज़ तो रेडी हो चुका है, अब बस बचा है इसका अलाइनमेंट करना, जो कि भाई रात को ही पॉसिबल है। बाकी इसका काम कंप्लीट है, वायरिंग वगैरह मैं समझाऊँगा लास्ट में।
और भाई मैं इन सब लाइट का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मेरे को सबसे बढ़िया लगेगा। और कॉस्टिंग की बात करूं तो ये मेरे को तो भाई फ्री में पड़ा, मैं आपको बता देता हूं ये 500-600 में मिल जाएगा और ये 1000 तक में मिल जाएगा। टोटल 1500-1600 का ये खर्चा है, बाकी थोड़ा बहुत और खर्चा वायरिंग वगैरह का होगा। मतलब 2000 के अंदर आपका ये पूरा रेडी हो जाएगा, हेडलाइट का सेटअप। बाकी डायमंड आई आपको नहीं मिलेगा नए में आपको ये रिंग मिलेगा, हो सकता है वाइट मिल जाए या ब्लू मिल जाए, तो आप चेकआउट कर लेना, जो आपको अच्छा लगे वो आप मंगवा सकते हो। तो भाई यहाँ पे आया हूँ मैं लाइट को एडजस्ट करने, तो मैंने एडजस्ट तो कर दिया है। तो भाई अब ग्लास को वापस से फिट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये जो एक ग्लू है इसको आपको गर्म करके अच्छे से मेल्ट कर लेना है। उसके बाद ग्लास को लगा के ये जो लॉक है यहाँ पे इसको गर्म करके थोड़ा दबा के थोड़ा ठंडा होने देना है, ये लॉक यहाँ पे फंस जाएगा इन सब में। तो इसी तरीके से लॉक दिए हुए हैं जगह जगह, तो उसी तरीके से अच्छे से फिट कर लेना है। तो इसको मैं फिट कर लेता हूँ भाई, यहाँ पे ग्लास हो चुका है फाइनली फिट। तो एक बार आप वायरिंग देख लो, तो ये जो मिनी ड्राइव है उसकी एक ये वाइट है, एक ये येलो है, बाकी जो सबकी ग्राउंड है ये नेगेटिव वायर, सबको मैंने एक में कनेक्ट कर दिया है। ये आ गई हमारी लो बीम के लिए जो वाइट वाली है, और ये आ गई डायमंड आई के लिए, और ये मिनी ड्राइव के लिए ये वाइट लाइट के लिए, येलो लाइट के लिए। तो बस यही चार कनेक्शन हमको करने हैं। ये नेगेटिव हम दे देंगे बॉडी में, और ये लो बीम है इसको स्विच से कनेक्शन करना है, इसको इग्निशन से करना है, इसका कनेक्शन मैं समझा दूंगा अभी बाद में। तो चलते हैं भाई इसको स्कूटी में फिट करते हैं। भाई यहाँ पे मैंने हेडलाइट की असेंबली तो फिट कर दी है, बाकी अब वायरिंग रही है। तो वायरिंग अगर मैं यहाँ पे समझाने जाऊँ तो कभी समझ नहीं आएगी भाई, क्योंकि भाई बहुत सारी वायर वगैरह है। बस मैं बता देता हूँ इसमें यूज़ क्या क्या होगा। सबसे पहले तो इग्निशन से एक वायर आएगी, जो कि मेरी यहाँ पर आई है एक ब्लैक वाली, अब यहाँ पे पता नहीं लगेगा। इग्निशन का कनेक्शन भाई यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स दिया हुआ है, ये बीच वाले जो रिले है इसको निकालना है। उसके बाद ये जो सेंटर वाला पॉइंट है बीच वाला, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करना है, ये बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है। उसके बाद रिले को वापस से लगा देना है। तो मैंने इग्निशन के लिए वायर ली है, इसमें एक मैंने यहाँ पे फ्यूज़ भी ऐड किया हुआ है, ताकि अगर आगे कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो तो ये फ्यूज़ उड़ जाए, उसके बाद मैं फ्यूज़ को रिप्लेस कर सकता हूँ, बाकी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होगी। तो इसको साइड में ऐसे रख सकते हैं, बाकी वायर इसकी यहाँ अंदर से होके यहाँ से गई है। एक स्विच मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये लो बीम के लिए है। तो जो हमारी डायमंड आई है वो तो डायरेक्ट इग्निशन से कनेक्ट होगी, और इग्निशन से एक और वायर आएगी यहाँ पर, यहाँ से जो दूसरी वायर जाएगी वो जाएगी लो बीम पे, लाइट के लो बीम के पॉजिटिव में। तो जैसे ये ऑन करूँगा लो बीम ऑन हो जाएगी, और इसमें यहाँ पे अंदर होती है तीन वायरें, एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है, एक बीच में होती है। बीच में वायर है वो है लो बीम के लिए, और ऊपर वाली वायर है हाई बीम के लिए, और नीचे वाली है जहाँ से हम करंट देंगे इसमें। तो लो बीम के लिए मैंने यहाँ से इसलिए नहीं किया, अगर मैं लो बीम के लिए यहाँ से करता तो डायरेक्ट इग्निशन से लो बीम ऑन होती, फिर डायमंड आई का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये स्विच अलग से लगाया हुआ है। तो ये सब कुछ कनेक्शन है इसके, बाकी मैं डायग्राम से आपको समझा दूंगा। और एक स्विच मैंने यहाँ अंदर लगाया बॉक्स में, एक स्विच भाई ये अंदर। तो जो यहाँ पे मिनी ड्राइव है उसके येलो और वाइट यहाँ से स्विच होंगे, एक ट्रिपल स्विच है। तो अब मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। तो भाई जल्दी से अब वायरिंग डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे लो बीम के लिए जो हमने बड़े वाले प्रोजेक्टर लगाए थे, और ये है मिनी ड्राइव। तो सबसे पहले तो जो हमारे लो बीम है इसके हम पॉजिटिव वायर निकाल लेते हैं, तो इन दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद एक सिंगल वायर और निकाल लिया मैंने, तो ये हमारी पॉजिटिव हो गई। एक वायर येलो वाली है जो कि मैंने ऐसे पीछे की तरफ से लाके साथ में दोनों की कनेक्ट कर दी है, ये हो गई हमारे येलो के लिए। और ये वाली हो जाएगी वाइट के लिए,
और जो इसकी डायमंड आई के लिए वायर ली है मैंने, वो मेरे में रेड कलर की, पर यहाँ पर डायग्राम में मैं ब्लू कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से पता लग जाएगा। तो ये वाली एक और कनेक्ट की है, बाकी इन सब का जो नेगेटिव है ब्लैक वाली वायर, वो मैंने एक से साथ कनेक्ट करके स्कूटी के साथ अर्थ कर दी है, वो तो आप सबको पता होगा। अब लेते हैं हम स्विच। तो एक स्विच है मेरे पास राउंड वाला जिसमें दो पॉइंट है, ये लो बीम के लिए यूज़ करूँगा मैं। और एक स्विच है मेरे पास ट्रिपल स्विच, ये तीन पिन है उसमें। तो ये स्विच वो वाला है जो स्कूटी में पहले से लगा होता है हाई बीम लो बीम करने के लिए, तो ये वो वाला स्विच है। तो यहाँ पर है मेरा भाई इग्निशन, तो इग्निशन से जो मैंने वायर ली है ये वाली है। तो अब बात करते हैं भाई कनेक्शन कैसे करनी है। तो सबसे पहले भाई जो मेरी डायमंड आई है उसको मैंने कर दिया है इग्निशन के साथ कनेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो हमारी लो बीम के लिए स्विच है उसको भी कर दिया मैंने इग्निशन के साथ कनेक्ट। उसके बाद जो हाई बीम के लिए स्विच है उसका भी नीचे वाला जो पॉइंट है उसको मैंने कर दिया है इग्निशन के साथ कनेक्ट। तो ये तीन वायरें मैंने इग्निशन से कनेक्ट कर दी है। अब जो लो बीम के लिए है उसका जो दूसरा पॉइंट है उसको मैं डायरेक्ट कर दूंगा लो बीम के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट। जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा वैसे ये लो बीम ऑन हो जाएगी, और इग्निशन जैसे ऑन करूंगा वैसे पहले डायमंड आई ऑन होगी, उसके बाद जैसे स्विच ऑन करूंगा ये लो बीम ऑन हो जाएगी। उसके बाद ये जो कनेक्शन गया है यहाँ पे जो हमारा स्विच स्कूटी में लगा हुआ था पहले से, इसका जो दूसरा पॉइंट है इसका ये कर दूंगा मैं यहाँ पे बीच में, ये जो ट्रिपल स्विच है इसके बीच में। जैसे मैं ये वाला स्विच हाई बीम पे करूंगा इसका करंट पास होके जाएगा इस स्विच में, ट्रिपल स्विच में। उसके बाद येलो वाला जो है, रेड वाला मैं एक पॉइंट पे कर दूंगा और येलो वाला मैं दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा। फाइनल देख लो भाई, जैसे मैंने स्कूटी ऑन की इग्निशन में करंट आया, इग्निशन में करंट आया तो एक करंट यहाँ पे गया, ठीक है, ये ऑन हो गया डायमंड आई। दूसरा करंट गया भाई इस स्विच में, अब ये स्विच बंद है तो आगे करंट पास नहीं होगा। तो तीसरा करंट गया इस स्विच पे, इसका भी स्विच मैंने लो बीम पे करके रखा हुआ है तो ये भी आगे करंट पास नहीं करेगा। अब जैसे मैं ये स्विच ऑन करूँगा करंट पास करेगा, ये लो बीम ऑन हो जाएगी। फिर जैसे मैं ये वाला स्विच हाई बीम पे करूँगा करंट यहाँ पे आएगा। अब ये वाला जो स्विच है अगर इसमें इसको मैं बीच में रखूँगा तो कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि इससे आगे करंट पास नहीं होगा। तो इस स्विच को ऑन करूँगा, अगर मैं इसको वाइट की तरफ करूँगा तो वाइट जलेगी, अगर मैं येलो की तरफ करूँगा तो येलो जलेगी। तो आई होप कि आपको ये वायरिंग डायग्राम समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो भाई आप कमेंट कर सकते हो, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा आपको, मैं अच्छे से समझा दूंगा फिर। तो भाई यहाँ पर आ गया हूँ मैं लाइट की टेस्टिंग के लिए। तो अभी देख सकते हो भाई बिल्कुल अंधेरा है। तो भाई सबसे पहले तो आप ये पहले वाली वीडियो देखो जो स्टॉक लाइट थी। तो ये हमारी स्कूटी की लाइट ऑन हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका लो बीम है, ये इसका हाई बीम है। भाई देख ली वीडियो, तो भाई वो पहले स्टॉक लाइट थी, अब मैं करता हूँ इसमें लो बीम ऑन। तो ये अपनी लो बीम, तो आप देख सकते हो भाई लो बीम में भी कितना बढ़िया थ्रो है। अब मैं करता हूँ इसका हाई बीम ऑन, तो ये देख सकते हो भाई कितनी बढ़िया लाइट आगे तक, मतलब कहीं तक भी देख लो भाई बिल्कुल क्लियर दिख रहा सामने का। और जैसे मैं सब चीज़ बंद कर दूं, ये इग्निशन ऑन है, सामने से लुक चेक करो भाई। और एक बार मैं येलो बीम भी चेक करा देता हूँ। तो अगर इस स्विच को मैं इस साइड कर दूंगा तो यहाँ से अब ये येलो वाली लाइट ऑन होगी। तो येलो वाला का भी रिस्पांस देख लो आप कितना बढ़िया है। और साथ में ये लो बीम का स्विच ऑन करूँगा तो ये लो बीम है। और इस स्विच को अगर मैं उस साइड को कर दूंगा तो ये वाइट वाली जलेगी। तो भाई यही थी आज की कुछ वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।